आइए मिलाद वाला कलाम पढ़ लेते हैं, और ये चूंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है पेश कर देता हूँ, अपने जज्बे का इजहार कीजिएगा। कलाम शुरू कर रहा हूँ, पसंद शुरू होते ही सुभान अल्लाह की सदा बजाएगी। हम अपने नबी पाक से प्यार करेंगे, जो प्यार करता है बोले सुभान अल्लाह, जो बहुत ज्यादा प्यार करता है एक मरतबा हाथों को उठाकर बोले। हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। जश्न लेकिन कुछ वो भी तो है जिनके अंदर जरासीम ही अलग है। खाली जरासीम हो तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जरासीम तंग भी करते हो तो बड़ा मसला होता है। हाँ, अब मैं शेर पढ़ रहा हूं। कुछ जलवाल देखते कहते कुछ जलवाल देखते कहते हमेशा सरकार की आमद पे लगाते वो क्यों पैसा। मिलाद पर ही, सिर्फ मिलाद पर पैसों की बात क्यों याद आती है? क्यों 14 अगस्त को पूरा पाकिस्तान सजता है दुल्हन की तरह? तुम लोगों को तकलीफ होती है? मुझे तो नहीं होती। पता है क्यों? इसलिए वतन से मोहब्बत जो है, तो वतन बाद में है, पहले मेरे हुजूर की जात है। सुभान अल्लाह, वतन भी हुजूर के सदके है। तो जब हुजूर की विलादत पर पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया सजती है तो फिर इनको क्यों तकलीफ होती है? क्या हुजूर से प्यार नहीं है? फिर गरीब की बेटी क्यों याद आती है? और याद रखो, गरीब की बेटी की शादी भी ये मिलाद वाले ही करवाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अब तीसरी लाइन पर औरंगी टाउन वालों, तेरा मेरा जवाब है, टेढ़ा मेरा नहीं, तेरा मेरा सीधा सच्चा खरा जवाब है। तीसरी लाइन पर जिसका जवाब हो बस वो हाथ उठाएगा, कहीं भी बैठा हो कहीं भी खड़ा हो, आपका हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलना बताएगा कि किस किस का जवाब है। कुछ चलने वाले देख के कहते सरकार की आमद पे लगाते जवाब जवाब, ये पैसा तो क्या चीज है, हम घर भी लौटा दे, पैसा तो क्या चीज है, अब घर भी लुटा दे, पैसा तो क्या चीज है, अब घर भी लुटा दे। जहान में सरकार की जैसा तेरे नबी आ गए, जिसका यही अकीदा हाथों को उठाकर जोर से बोले मरहबा या मुस्तफा, मेरे नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा, प्यारे नबी आ गए, नजबान नबी आ गए, खमखार नबी आ गए, मरहबा या मुस्तफा, साहिब मेराज नबी, आसियों की लाज नबी, नबियों के सरदार नबी, कलमी तेराज नबी, हर खारजी फसादी वतन से भगाएंगे। इनका टाइम पूरा हो गया है, इनका टाइम पूरा हो गया है, पीछे वालों के हिसाब से थोड़ा रहता है इनका टाइम। हाँ, अब किसका टाइम है? अब लगभग कि हम सुल्ला वालों का टाइम है। हाँ, बोलो ना सुभान अल्लाह। दूसरी लाइन पर आपकी सुभान अल्लाह की सदा बताएगी, टाइम अपना ही था और अपना ही है इंशाअल्लाह।
हाँ, हर खारजी फसादी वतन से भगाएंगे, पढ़कर दुरूद सबको मिला दी बनाएंगे, पढ़कर दुरूद सबको मिला दी बनाएंगे, लाएंगे रंग रंग लाएंगे हुजूर दाए सलाम तख्त पर। चौथी लाइन के बाद औरंगी तार वालों पावर शो करना है, क्या करना है? पावर शो। कौन सा पावर शो? तुम्हारे अंदर कितनी बोटी है, कितनी चर्बी है? नहीं, कितनी ईमानी कुव्वत है। आज हलाली करने का टाइम आया है। वैसे भी हम नमक हराम नहीं, हम नमक हलाल है, बोलो सुभान अल्लाह। चौथी लाइन पर अल्लाह ने तुम्हें जितना बड़ा आवाज दिया है ना, उतना जोर से लब्बैक की सदा लगाना। घर जाओ, माँ बोले बेटा तेरा गला क्यों बैठ गया? माँ नामों से रिसालत की बात चली थी, मैं जज्बाती हो गया था। माँ आवाज की परवाह नहीं रही, मैंने अब अपनी आवाज को हुजूर के नाम पर कुर्बान कर दिया है। माँ मुझे ऐसा लग रहा था महफिल में सबसे जोर से मैं बोल रहा था, माँ मुझे सबसे ज्यादा मेरी आवाज आ रही थी, माँ मैंने इतना जोर से बोला है। माँ माँ तूने मेरी ऐसी तरबियत की थी ना, बोलो ना सुभान अल्लाह। चौथी लाइन के बाद पावर शो होगा, लाएंगे गम लाएंगे गम हुजूर दाएं सलाम तख्त पर, ला दीनियत के सारे भूतों को गिराएंगे, बोलने से नहीं लगती, मिर्ची हमारे इस मिलाद वाले काम से लगती है और खामखा लगती है। हाँ, हमने तो मरते दम तक ये जिक्र करना है, मरते दम तक नहीं यार, महदूद नहीं कर यार, मरने के बाद भी करना है। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो नाद खानी, मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा की गीत गाती जाती। मिर्ची ताहिर कादरी के बोलने से नहीं लगती, इमाम ने फरमाया खाक हो जाए अदू चल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ, दूसरी लाइन पर आपने सुभान अल्लाह सदा ऐसी लगानी है, पता चले हमें मिलाद करना कितना शहद लगता है, उनको खामखा कितनी मिर्ची लगती है। और अंसार भाई ने सही नहीं किया मेरे हिसाब से, इतनी मिर्चियां लगा दी, छोटी 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 मिर्ची इतनी सारी लगा दी है, और इसी छोटी मिर्चियों की लाइन को आखिर में बम बना के खड़ा कर दिया। देख रही मंजर देख रहे, हालांकि अल्लाह की कसम ये कोई मिर्ची नहीं है, बल्ब है, पता नहीं उनको क्यों मिर्ची दिखती है। शेर पढ़ रहा हूं, आपकी सुभान अल्लाह की सदा चाहिए। तकलीफ
हिंग मिर्चे भी लगती रहती है जब बारवीं पे लाइटों से गलियां भी सजती है। जब बारवीं पे लाइटों से चिड़ता है तो देख के झंडों की बहारें काजी में नबी हो तो सभी अच्छी लगती है। अब जिसको अच्छी लगती है तो चले सरकार की आवाज़ की आवाज़ की आवाज़